Brought to you by ITIL P55 Plus Series. Hello everyone, welcome to Sports Tak. मैं हूँ खुशी गुप्ता. अब बात करें वन डेज की वाइड बॉल की, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए हाफ सेंचुरी या सेंचुरी लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है. और अब ये बात आम हो चुकी है क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी हर थोड़े वक्त में सेंचुरी लगाते हैं. लेकिन डबल सेंचुरी लगाना, 200 का वो आंकड़ा पार करना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं. और अब बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के पथम निशंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये 200 का आंकड़ा पार करा है. उनकी इस पारी की बात करें तो इस पारी में उन्होंने 210 रन बनाए हैं. बॉल्स उन्होंने जो यूज करी है वो है 139. चौके उनके रहे 20, छक्के उन्होंने मारे 8 और स्ट्राइक रेट उनका रहा 151.07 का. उनकी ये शानदार पारी जिसमें पथम निशंका ने डबल सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को जिताया. अब हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करें श्रीलंका के लिए ओडीआईज में, तो वहां पर पथम निशंका का पहला नाम आ चुका है 210 रन के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कि 2024 में उन्होंने बनाया है. इसके बाद दूसरे नंबर पे है सनत जयसूर्या, जिनका 189 का स्कोर रहा है इंडिया के खिलाफ. 2000 में उन्होंने ये शानदार पारी खेली थी इंडिया के खिलाफ. तीसरा नाम है उपुल थरंगा, जिन्होंने 174 नॉट आउट का स्कोर इंडिया के खिलाफ बनाया 2013 में. तो यहाँ पर दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 200 के करीब स्कोर बनाया है, वो भी इंडिया के खिलाफ. चौथे नंबर पर है कुमार संगकारा, जिन्होंने 169 का स्कोर बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में. आखिरी नाम है तिलक रत्ने दिलशान, जिनका स्कोर था 161 नॉट आउट बांग्लादेश के खिलाफ 2015 में. तो इस लिस्ट में पहला नाम हो चुका है पथम निशंका का, जो कि 210 बनाकर नॉट आउट रहे अफगानिस्तान के खिलाफ. अब डबल सेंचुरी श्रीलंका के खिलाड़ियों की तो हमने बता ही दी है, लेकिन ओवरऑल कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसने डबल सेंचुरी लगाई है वो हम आपको बताएंगे. और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया के खिलाड़ी सबसे ज्यादा है जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई हो. और पहला नाम आता है इंडिया के कप्तान का, रोहित शर्मा. रोहित शर्मा जिन्होंने ओडीआईज में 3 डबल सेंचुरी लगाई है. उसके बाद है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 1 डबल सेंचुरी लगाई है. वीरेंद्र सहवाग भी इस लिस्ट में 1 सेंचुरी के डबल सेंचुरी के साथ. ग्लेन मैक्सवेल, जिनकी 1 डबल सेंचुरी रही. क्रिस गेल, इनकी भी 1 डबल सेंचुरी है. ईशान किशन, शुभमन गिल, मार्टिन गप्टिल, इन सब की 1-1 डबल सेंचुरी है. फकर जमान है, जिनकी 1 ही डबल सेंचुरी है. उसके बाद अब नाम जुड़ चुका है पथम निशंका का भी इस रिकॉर्ड में, जिनकी डबल सेंचुरी आ चुकी है अफगानिस्तान के खिलाफ. तो डबल सेंचुरी आना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है. और हमने लिस्ट पूरी बताई कि कौन कौन से खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल है, और भारतीय खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा इस लिस्ट में है. पहले नंबर पर इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा है 3 डबल सेंचुरी के साथ. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें. स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे डाउनलोड करें, और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है www.thesportstak.com, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए सारी अपडेट्स के लिए. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप.